कानपुर में भीषण गर्मी के प्रकोप से हीट स्ट्रोक और डायरिया से 4 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि जिसमें एक महिला और 3 पुरुष थे। महिला और अन्य 3 लोगों को हीट स्ट्रोक की शिकायत पर हैलट अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हैलट और ओरसिला अस्पताल में करीब 37 मरीज भर्ती हुए थे। सभी को हीट स्ट्रोक, डायरिया व वायरल फीवर बताया गया है। तो वहीं बाल रोग विभाग में करीब 8 बच्चों को एडमिट कराया गया। जिस तरह से शहर में गर्मी पड़ रही है, उसे शहर के सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के उप प्राचार्य और मेडिसिन हेड डॉक्टर ऋचा गिरी ने बताया, मरीजों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। मरीजों में हीट स्ट्रोक व डायरिया के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसमें बड़े और बुजुर्गों को इस मौसम में मॉर्निंग वॉक न करने की सलाह दी गई है। इसका कारण सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लू चलती रहती है। इसके साथ ही यह भी बताया कि बेवजह इस गर्मी के मौसम में घर से बाहर ना निकले। इस गर्मी में शरीर में पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके चलते हार्ट अटैक पड़ सकता है। इसके अलावा अस्पताल में कई मरीजों को इस गर्मी में निमोनिया की शिकायत पर भी एडमिट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।